हेलो दोस्तों, स्वाधीनता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं आपको भाषण के बारे में बताता हूं थोड़ा सा कि किस तरह से आप भाषण को शुरुआत करेंगे और कैसे ऐसा हो सकता है कि आप अपनी मर्जी से भाषण दे पाए, अपने खुद के थॉट्स वहां पे बोल पाए। समस्या क्या होती है कि हम लोग उसको सीरियल में नहीं बना पाते, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट नहीं बोल पाते। तो पॉइंट बना लीजिए। सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो होगा भूमिका। भूमिका में क्या होता है कि आपने इस तरह से शुरुआत करनी होती है, जैसे आपने शुरुआत की कि हिंदू की नहीं ये मुसलमान की नहीं है, हिंदू की नहीं ये मुसलमान की नहीं है, है हिंद जिसका नाम, ये शहीदों की जमीन है। सबसे पहले आप सभी को आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके बाद बात आ जाती है स्वागत की, यानी कि आपने आए हुए अतिथियों का, स्कूल प्राचार्य का या जो लोग बैठे हैं उनका आपने वेलकम करना है कि सम्मानित मंच पर उपस्थित माननीय मुख्य अतिथि महोदय, हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य और समस्त ग्रामवासियों का अभिवादन करता हूं। यानी कि वहां पर आपने अभिवादन करना है। इसके लिए अगर आपके पास समय है तो शायरी भी बोल सकते हैं कि अतिथि देवो भव है कहती है भारत की धरा, स्वागत करके आपका निभा रहे हैं परंपरा। अब इसके बाद आपने बोलना है तीसरा पॉइंट, वो है स्वाधीनता दिवस का, यानी कि स्वाधीनता दिवस के बारे में बोलना है। मैं आपको थोड़ा सा बोल के बताता हूँ, ऐसे आप शुरुआत कीजिए कि भारत की आज़ादी का इतिहास अति स्वर्णिम रहा है और संघर्ष भरा रहा है। हमारे शूरवीरों ने माँ भारती के चरणों में अपने प्राण अर्पित किए और हमें आज़ादी मिली। आज हम लोग उनसे प्रेरणा लें, श्रद्धा के साथ इस दिवस को मनाएं और उनके नक्शे कदम पर चलकर भारत भूमि को उज्ज्वल बनाने का प्रयास करें। यानी कि यहाँ पर कुछ बातें आप खुद भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपको एक शायरी बता देता हूँ कि जिन्हें खौफ हो जुल्म से लड़ने का, कुर्बानी का जज्बा नहीं आता, बेशक मर जाए इत्तफाक मौत से, देश के लिए मरना नहीं आता। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग अपने उन वीरों को, शूरवीरों को, देशभक्तों को, स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए उनका पथ प्रदर्शन करें। और यहाँ पर इसके बाद आपने संदेश देना है, प्रेरक संदेश, मैसेज आप क्या देंगे। आज हमें ज़रूरत है उनसे प्रेरणा लेने की, उनसे सीखने की कि किस तरह से उन्होंने दूसरों के लिए अपनी जान न्योछावर कर दी। आज़ादी केवल उनको नहीं मिली, आज़ादी पूरे भारत को मिली, लेकिन कुछ हमारे सेनानियों ने अपने आप को बलिदान कर दिया, कुर्बान कर दिया। इसलिए ज़रूरी है कि आज हम भी अपने आप के ऊपर मेहनत करें, खुद के ऊपर काम करें, अपने आप को मानव कहलाने के योग्य बनाएं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, कहीं ना कहीं दूसरों के लिए जीने की भी ज़रूरत है। ऐसा हमारा धर्म होना चाहिए कि इंसान इंसान से प्रेम करे, तभी हमारे देशभक्तों के सपनों का भारत बनेगा। और इसके साथ साथ मैं हमारे विद्यार्थियों से कहूँगा कि आज आपका कार्य केवल शिक्षा है और इसके साथ साथ अपनी आदतों का निर्माण करना है। इसलिए आप शिक्षित हों, पढ़े लिखें, खूब मेहनत करें और बच्चों के अभिभावक भी उनका साथ दें। सरकारी विद्यालयों में भी बहुत अच्छी शिक्षा है, अच्छे क्वालिफाइड स्टाफ हैं, अच्छे क्वालिफाइड टीचर्स हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों की शिक्षा की ओर ध्यान दें और बच्चे जीत और मेहनत करें कि विषम परिस्थितियों में भी बेहतर सीख कर गरीबी के दुष्चक्र से निकल सकते हैं। शिक्षा वो शक्तिशाली हथियार है दोस्तों, जिससे हम दुनिया बदल सकते हैं। इसके साथ साथ मैं बहन बेटियों के लिए भी कहूँगा कि उनको शिक्षित करें, स्वावलंबी बनाएं। अब इसके बाद आपने शिक्षकों पर बोलना है। और आज का कार्यक्रम मैंने देखा, रियल में बहुत अच्छा था, वास्तव में ही काबिले तारीफ थी प्रस्तुतियाँ। आज के इस भव्य कार्यक्रम के लिए आपकी जोरदार तालियां चाहूँगा हमारे गुरुजनों के लिए, जिन्होंने बेहतर से बेहतर प्रस्तुतियाँ तैयार करवा के आज आज़ादी के इस महोत्सव को मनाया। विशिष्टता के साथ शिष्टता हो तभी एक पुरुष इंसान होता है, विशिष्टता के साथ शिष्टता हो तभी एक पुरुष इंसान होता है, निष्ठावान शिक्षक मिल जाए तो जीवन महान होता है। तो इसलिए हम लोग अपने अध्यापकों का हमेशा सम्मान करें, इनके प्रति श्रद्धा भाव होगा उतने ही हम लोग काबिल बनेंगे। आज के कार्यक्रम के बेहतर आयोजन के लिए स्कूल प्राचार्य का थैंक्स करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। सभी ने मिलकर इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। कहीं ना कहीं जब हम लोग मिलकर हमारे राष्ट्रीय दिवस के कार्यक्रम को सेलिब्रेट करते हैं तो एक छोटे से स्कूल में भी एक लघु भारत बन जाता है, ऐसा आज हमें देखने को मिला है। तो इसलिए आप उसमें प्रेम से रहें, प्यार से रहें और सद्भावना के साथ रहें। आज के इस कार्यक्रम को देखकर और आज़ादी के अमृत महोत्सव की खुशियों को देखकर लग रहा है कि कहीं ना कहीं भारत में
स्वाभिमान जागा है, भारत के युवाओं में देश के प्रति कुछ करने की भावना आई है, तो हम लोग ऐसे ही देश के लिए जिए, देश के लिए मरें। कहते कि यही आगाज है मेरा, यही अंदाज है मेरा, मैं शायर हूँ, दिलों को जोड़ने का काम है मेरा, वतन पर आँच जब आए सरों को पेश कर देना, हर हिंदुस्तानी को यही पैगाम है मेरा। एक बार पुनः आप सभी को आज़ादी के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएँ और धन्यवाद। एक बार पुनः आप सभी को आज़ादी के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और अपने वक्तव्य के समापन पर दो पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। ज़रूरी नहीं कि हर समय जुबान पर भगवान का नाम आए, ज़रूरी नहीं कि हर समय जुबान पर भगवान का नाम आए, वह वक्त भी भक्ति का होता है जब इंसान इंसान के काम आए। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों इस तरह से पॉइंट बनाइए और भाषण आप खुद भी लिख सकते हैं, यानी कि आपको याद रहेगा कि मुझे इन इन टॉपिक्स पे बोलना है। हो सकता है कुछ लोगों को अपने गांव की कोई विकास यात्रा के बारे में बोलना हो या उनको अपने विकास की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी हो, तो आप पॉइंट के अंदर फिट कीजिए अपनी बातों को, बेहतर से बेहतर आप सीखिए, लिखिए और मंच पर बोलिए। धन्यवाद।